हाय गाइस, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। लोनावला और खंडाला टूरिस्ट प्लेसेस। इस वीडियो में मैं आपको लोनावला और खंडाला के सभी डिफरेंट डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस बताने वाली हूँ, जिससे आप लोनावला और खंडाला को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और साथ ही लोनावला टू खंडाला वन डे ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस है जिन्हें आप अपनी वन डे ट्रिप में कवर कर सकते हैं, सारी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लोनावला से खंडाला तक के जो मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो लोगों में बहुत पसंद किए जाते हैं, वो है लोनावला लेक, मुशी डैम, टाइगर पॉइंट एंड लॉयन पॉइंट, बाजे केव्स एंड बाजे वाटरफॉल्स, कालरा केव्स, एक्विरा देवी टेंपल, लोहागढ़ फोर्ट, राजमाची व्यू पॉइंट, राजमाची फोर्ट, कुने वाटरफॉल, राजमाची गार्डन, खंडाला घाट व्यू पॉइंट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, नारायणी धाम टेम्पल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुनील वैक्स म्यूजियम। तो ये थे लोनावला और खंडाला के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस। और भी ऐसे यहाँ पर व्यू पॉइंट और प्लेसेस हैं जिन्हें आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ये कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है। तो चलिए बताती हूँ आपको इन सभी जगह पर कैसे जाना है, कैसे एक्सप्लोर करना है। पहले हम उन सभी जगह पर जाएंगे जो एक दूसरे के काफी नजदीक है, जिससे हमें ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो सबसे पहले चलते हैं लोनावला सेंट्रल से लोनावला लेक की तरफ। यहाँ पर आप देखो लोनावला लेक पहुँच गए हैं, और लोनावला से यहाँ तक आने में 15 मिनट लगे होंगे, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। लोनावला से जब भूशी डैम के लिए जाते हैं तो ये पहले ही पड़ जाता है देन भूशी डैम। तो आप ये लोनावला लेक देख के देन भूशी डैम जा सकते हो, और देख ही सकते हो मानसून में तो यहाँ पर बहुत सुंदर नजारा होता है। ऐसा शानदार व्यू सिर्फ आपको मानसून में मिलेगा, और लेक में पानी सिर्फ मानसून के दौरान ही रहता है, और इस टाइम पे तो ये बहुत सीनिक लोकेशन लग रही है। तो भूशी डैम जाते टाइम यहाँ पर 15 से 20 मिनट तो रुक ही सकते। चलो उस तरफ क्रॉस करके जाते हैं और वहां से और नजदीकी से देखते हैं। लोनावला लेक से निकल रहे हैं भूशी डैम, जो यहाँ से 5 किलोमीटर है, और लोनावला लेक से थोड़ी आगे इसी रास्ते पर इस तरफ आपको बहुत सारे वाटरफॉल दिखेंगे। एक तो काफी बड़ा वाटरफॉल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हो। ये है लोनावला का मोस्ट पॉपुलर हॉट स्पॉट भूशी डैम, और भूशी डैम की A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी इस वीडियो में दी है, तो चैनल पे जाके देखो, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एब्सोल्युटली यू विल एंजॉय इट। भूशी डैम से बाहर निकल गए हैं, और अब यहाँ से आगे आता है लॉयंस पॉइंट एंड टाइगर पॉइंट। ये भूशी डैम के बाहर पे हैं, और ये वो रोड जहाँ से आए थे लोनावला से, बीच में रुके लोनावला लेक, फिर यहाँ पे भूशी डैम, और यही रोड सीधा आगे जाता है लॉयंस पॉइंट और टाइगर पॉइंट के लिए। तो यहीं से आप लॉयंस पॉइंट और टाइगर पॉइंट के लिए निकल सकते हो, जो यहाँ से 6 किलोमीटर है। ये है टाइगर पॉइंट, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है। इन दोनों व्यू पॉइंट पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे जाके देख सकते हो। उसमें हमने टाइगर पॉइंट और लॉयन पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लोर किया है। तो इस तरह ये तीन प्लेसेस एक ही वे में पड़ते हैं, लोनावला लेक, भूशी डैम और टाइगर पॉइंट और लॉयन पॉइंट। ये तीनों जगह एक साथ घूम सकते हो। गाइस, मार्केट की तरफ वापस आ गए हैं, और ये लोनावला का मेन मार्केट है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर पहुंचे ही हैं कि बारिश बहुत तेज हो चुकी है, पीछे तो बहुत धीरे धीरे हो रही थी, बट यहाँ आते आते काफी तेज बारिश हो गई है। मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट कैफे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, कुछ खाते हैं और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं।
ये लोनावला मेन मार्केट से रोड आ रहा है और ये यहाँ से सीधा मुंबई हाईवे पे निकलता है। तो जो मुंबई से सेल्फ ड्राइव करके आते हैं वो यहीं से लोनावला में एंटर होते हैं और यहीं से आगे 3 किलोमीटर पे पड़ता है खंडाला। तो खंडाला चलते हैं और खंडाला के आसपास क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आ गए हम खंडाला के पहले व्यू पॉइंट पे और यहाँ पे सारे व्यू पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल ही नजदीक है, तो आप इन्हें बाय वॉक ही कवर कर सकते हो। लोनावला से जब आते हो खंडाला की तरफ तो राजमाची व्यू पॉइंट पे उतर जाओ और यहाँ से आगे आप 3-4 पॉइंट बाय वॉक ही कवर कर सकते हो। राजमाची व्यू पॉइंट से 2 किलोमीटर पीछे खंडाला लेक पड़ती है, तो आप चाहो तो वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। हम डायरेक्ट राजमाची व्यू पॉइंट पे उतरे और अब यहाँ से आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो खंडाला में घूमने के लिए पहला पॉइंट तो यही आता है राजमाची व्यू पॉइंट। यहाँ से कुने वाटरफॉल का बहुत शानदार व्यू भी दिखाई देता है। उसके बाद आप जा सकते हो राजमाची गार्डन, फिर आता है खंडाला घाट और खंडाला व्यू पॉइंट, जहाँ से मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का एरियल व्यू दिखाई देता है और ये बहुत शानदार लोकेशन है, तो आप यहाँ पे सनसेट भी इंजॉय कर सकते हो। और आई बटन पे क्लिक करके खंडाला की पूरी वीडियो देखो, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ आज का दिन तो यहीं पे खत्म होता है। अब मार्केट की तरफ रिटर्न आ गए हैं और देख ही सकते हो अंधेरा भी हो चुका है। अब कहीं जा तो नहीं सकते लेकिन मार्केट जरूर एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा लोनावला की मार्केट को घूमा जाए। लोनावला की मार्केट में एक चीज़ आपको बहुत दिखेगी, वो है यहाँ की चिक्की। हर जगह आपको चिक्की की बहुत सारी शॉप दिखाई देगी, चिक्की चिक्की चिक्की, मगनलाल चिक्की, ये चिक्की वो चिक्की, बट जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर चिक्की की शॉप है वो है मगनलाल चिक्की। तो आप लोनावला की चिक्की ज़रूर ट्राई कर सकते हो। कुछ ऐसा अलग नहीं है यहाँ की मार्केट में, लेकिन चिक्की की इतनी प्रीमियम शॉप्स मैंने पहली बार देखी है और यही यहाँ की स्पेशलिटी है। एनीवे, लोनावला टू खंडाला के वन डे ट्रिप में आप ये 6 से 7 जगह इजिली कवर कर सकते हो। तो इस तरह से लोनावला का वन डे ट्रिप तो कंप्लीट हो जाता है। अगर सेकेंड डे का भी प्लान है तो सेकेंड डे में आप कालरा केव्स, आइकिरा देवी टेम्पल, बाजे वाटरफॉल, बाजे केव्स, देन लोहागढ़ फोर्ट जा सकते हो। तो ये सभी जगह एक ही डायरेक्शन में है, लगभग एक दूसरे से 6 से 7 किलोमीटर के अराउंड होगी। एंड दैट्स इट फॉर अ डे। लोनावला टू खंडाला की पूरी ट्रैवल सीरीज आपको चैनल पे मिल जाएगी। गो एंड वॉच इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।